तो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर एनालाइज करेंगे, जो आज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो जिन साथियों ने व्हाट्सएप पर शेयर किए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एग्ज़ाम सेंटर से मैं आप लोगों को लाइव दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, एक बार सभी लोग साथी एक बार जुड़ जाइए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आज के एग्ज़ाम में, और पेपर कहाँ से आ रहा मैं फिर बता दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, प्लेलिस्ट को आप पूरा कर लीजिए अच्छे से। पूरा पेपर निमी से आ रहा है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अलग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो आपकी भाषा से ही स्किल से संबंधित हैं, तो आप क्या करेंगे वो आप आसानी से लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछा गया था, अनचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो सभी लोग ये क्वेश्चन सही करके आए थे आज की एग्ज़ाम में, तो ये था एयर, यानी कि वायु, एकदम सही आंसर इसका राइट आंसर था। आगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सभी लोग इसको सही करके आए थे, यानी विद्युत आवेश का जो है कूलाम, सभी लोग करके आए थे। और मैंने क्या किया, एग्ज़ाम सेंटर पे मतलब 5 पेपर को प्रीवियस निकाल के वहाँ पर रख दिया, जैसे ही आते हैं वो लोग टिक कर देते हैं, तो मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जितना वो लोग मेरे को बता रहे हैं, ठीक है। कम से कम 4-5 लोगों ने मेरे को बताया, तो वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है, कॉपर। देखो कॉपर एकदम सही आंसर था, ठीक है। चलिए आगे देखें कौन सा पूछा गया था। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में भारत में एसी की आप जो या भारत में जो एसी होती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। तो सभी के सभी लोग करके आए थे 50 हर्ट्ज, लेकिन वहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था अलग हटके कि भारत के डीसी की पूछी गई, तो डीसी वाली में लोगों ने 50 हर्ट्ज लगा कर, जो कि गलत है। जो लोग साथी को मतलब 4-5 लोग थे, जो लोग लगा के आए थे 0 हर्ट्ज, उन लोगों का सभी लोगों का वो क्वेश्चन सही था। तो ऐसी गलतियों से आप बचें। और हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमने बगल वालों से आप ना पूछें, क्यों, जो 20 नंबर आपका रहेगा तो 20 नंबर उसका सेम नहीं रहेगा, उसका क्वेश्चन अलग रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, बिजली की मात्रा की इकाई क्या है। तो बिजली की मात्रा की इकाई के लिए इकाई क्या थी, वो हो जाएगा कूलाम। एकदम सही आंसर इसका डी ऑप्शन, यानी कि वहाँ भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिला था और सभी लोग इसका सही क्वेश्चन करके आए थे एग्ज़ाम में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है। तो मैं एक बता दूँ, ये किसका है, उसका है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। मैंने सुबह मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को करवाए थे, कितने मॉर्निंग में मैंने 8 प्रीवियस पेपर करवाए थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, तो वहाँ से क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं एम्प्लॉयबिलिटी के। अगर आपने फर्स्ट ईयर वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाएं और उस पर देख लें, सेकेंड ईयर लिखा हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो आज की वीडियो है उसको आप अच्छे से रट लीजिए, कम से कम 8 पेपर उसमें करवाए हैं, ठीक है। तो इसका टैली सही था, सभी लोग क्वेश्चन इसको सही करके आए थे। अगला क्वेश्चन, और पेपर मैं फिर बोल रहा हूँ निमी से आ रहा है, कुछ क्वेश्चन आपको बाहर मिल रहे हैं ना, पूरा लोग 75 में से 75 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है तो वो हानिकारक और दुखदायी, सभी लोग इसका सही आंसर करके आए थे जितने भी लोग थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार मतलब जो मॉक टेस्ट करवाया था उसमें ये मैंने क्वेश्चन 3-4 बार करवाया था। निम्न स्तर की भाषा को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन करके आए थे, लेकिन कुछ लोग थे जो सोर्स कोड भी लगा के आए थे, तो गलत। मशीन भाषा इसका सही आंसर होगा, जो लोग आज करके आए, जो लोग गलत करके उनका 2 नंबर कट जाएगा, इसलिए सोच समझ कर क्वेश्चन को करें, नहीं तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे। समय प्रबंधन, तो ये कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, यानी कि अपना कार्य समय पर पूरा करें, ये सभी लोगों का सही आंसर हो, यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ लोग बोल रहे हैं हार्ड आ रहा है, क्यों, हाँ नई PDF से आ रहा, पुरानी, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे पुरानी PDF से आए हैं, ठीक है।
अब ये एक पूछा गया था डायग्राम से संबंधित, उसको पता है तो बता दें, डायग्राम से कम 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। कितने? 8 क्वेश्चन। तो ये कौन सा उपकरण है ये हमें बताना था, तो इसे बोलते हैं ओपन एंड स्पैनर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखो, ये भी एक डायग्राम पूछा गया था कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, काटने वाला सरौता है ये। सभी लोग इसका सही आंसर करके आए, क्योंकि मैंने बोल दिया था ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, मैंने लिख दिया था, तो इसलिए सभी लोग इसका सही आंसर करके आए थे। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखें कौन सा पूछा गया था एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और ये क्वेश्चन मैंने आप किसमें उसमें करवाया था ना, किसमें मैंने अभी परसों करवाया था मॉक टेस्ट, उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। एम के एस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है मीटर को। ठीक है, सभी लोगों का ये क्वेश्चन था सही था, क्योंकि मैंने बोला था इंपॉर्टेंट करके, मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन 2024 में पूछा ही जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था और हुआ ये बात। चलिए आगे देखें, आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम में पूछा गया है, द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण, तो कौन सा था, बोतल ओपनर। बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन था। 2 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कितने? 2 नंबर आपको मिलेंगे। आगे देखेंगे, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है, तो लोहा किस में होता है, लोहा धातु में होता है। मैंने क्या बोला था पेपर जब करवाया था, मैंने बोला था लोहा पूछे जाए तो लोहा धातु ही लगाना, तो लोहा धातु, यानी कि यहाँ से 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए। और हाँ, आप लोगों का अगर पेपर नहीं हुआ है तो मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अभी कम से कम मैं 70-80 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, 70-80 क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट करवा दूंगा। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है, तो सिस्टम अर्थिंग किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन में, सिस्टम अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है, इस बात को अच्छे से याद रखें। लेकिन लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी थी और वहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, वो बोल रहे थे हम तो जॉब करते हैं सीधा पेपर देने आए थे, तो उन लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया, उन्होंने घरेलू वायरिंग स्थापना में लगाया, यानी कि सी ऑप्शन, वहाँ से उन दोनों को 2 नंबर का कट जाएंगे, जिन लोगों ने भी सी ऑप्शन लगाया था। और जिनको मैंने बताया था, जिन्होंने पढ़ा था, उन लोगों ने सही आंसर किया, कुछ ही लोग थे जिन्होंने गलत आंसर किया है इसका। अगला क्वेश्चन, IE नियमों के अनुसार पावर उपपरिवर्त के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है, तो वो कितना है, 3000 वाट, यानी कि ये क्वेश्चन तो हर एक साथी ने इसका सही आंसर ही किया था, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसका डी आंसर किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है, तो उसमें कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। लेकिन यहाँ पर एक एग्जामिनर ने मालूम क्या किया, सबसे बड़ी गलती ये कही कि उसने ऑप्शन को ए वाले में डी में डाल दिया, डी वाले को सी में, सिर्फ ऑप्शन का क्या किया इसमें, ऊपर आप कह सकते हैं सिर्फ ऑप्शन को मैच कर ऊपर नीचे कर दिया, क्वेश्चन यही था सेम। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आगे क्वेश्चन पूछा गया है, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है या खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो सभी लोग इसके अंतर मतलब सभी लोग करके आए थे कि वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन इसका सभी लोग सही आंसर करके आए थे। लेकिन एक बात याद रखो, पैसा बचा जाता खर्च, तो कुछ लोगों ने बैंकिंग भी लगाया, यानी कि ए ऑप्शन भी उसका क्या किया, ए ऑप्शन भी लगाया, तो यहाँ पर उन्होंने गलत आंसर इसका किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, कॉपी कमांड की पूछा गया था, कॉपी करने के लिए क्या मतलब, जो शॉर्टकट कुंजी होती है, तो कॉपी के लिए होती Ctrl+C। और एक बच्चा बोल रहा था कि कटकी भी पूछी गई, तो कटकी भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, Ctrl+X, ये किसकी है, कटकी हो जाएगी। ठीक है, और ऑल को पेस्ट करके तो ऑल के लिए हो जाए Ctrl+A। यहाँ पर इतने मैंने क्वेश्चन आपको कन्फर्म करा दिए। चलिए आगे देख लेते हैं, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है, कितनी बार मैंने बोला कि ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा और एग्ज़ाम में आया भी है, समझ गए मेरी बात को, तो राइट ऑप्शन ए था, सभी लोग इसका सही आंसर करके आए थे, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सब लोग, लेकिन इंडिया पे किसी ने सुना ही नहीं था, तो सब लोगों ने ए आंसर मतलब सही किया था। आगे देखेंगे, जो ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने का कारण क्या है, क्यों होता है, तो सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर ये क्वेश्चन करके आए थे, नमी के कारण वो खराब हो जाता है। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर, उसका नुकसान क्या है, तो वो ये है, ये द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं करता, वो सिर्फ एक प्राथमिक वाइंडिंग होती है, उसमें द्वितीयक वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर में नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पूछा क्या गया, देखिए आगे मैंने क्या बोला था, ये भी क्वेश्चन आएगा, बोला था ना इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा था, वह कहता स्टार भी किया था कि एकल फेस एसी
जो एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है, कितने डिग्री, तो 90 डिग्री होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन था। जो लोग भी 90 डिग्री करके आए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो आप क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था, पृथ्वी प्रतिरोध जो होता है उसका परिचय जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो विभव पाथ विधि पर किया जाता है, लेकिन कुछ लोग अन्योन प्रेरण पर लगा के आए, बिल्कुल, क्योंकि मैंने पेपर करवाया था, तो पेपर करवाया तो उन लोगों ने बी ऑप्शन देखा वो भी लगा के आए, नहीं सी ऑप्शन वाले सभी लोग जितने भी लोग करके आए आज की एग्जाम में बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है, तो फ्लक्स घनत्व, सभी लोग इसका सही आंसर करके आए। जिन लोगों ने मैंने फीडबैक लिया तो बोल रहे थे मैंने तो भाई सी ऑप्शन लिख किया था, तो उन लोगों का सबका सही था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कम से कम 22-23 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, जितने मुझे मिले मैंने करवा दिए, ठीक है, जितना मुझे व्हाट्सअप पे शेयर किया। अब जो क्वेश्चन और हमारे पास अगर आएंगे सेकंड शिफ्ट के तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, परेशान मत हो। और इम्पोर्टेंट आपको 50-60 क्वेश्चन करवा दूंगा। और इम्प्रोबेबिलिटी स्किल की आप क्लास देख लें, चैनल पर जाएँ, मैंने आज ही अपलोड किया मॉर्निंग में, उसको आप अच्छे से देख लें, उसमें मैंने 8 पेपर प्रीवियस करवाए हैं, तो आप कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समय कम है, अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो व्हाट्सअप ग्रुप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में उसे घंटी ऑल पर प्रेस करो, घंटी ऑल पर प्रेस करोगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।